एम किंग स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 29 सीएसके वर्सेस एसआरएच। जी हाँ गाइस, आईपीएल 2023 का ये 29वां मुकाबला है। 21 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और एसआरएच के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये जानते हैं इस मुकाबले में टीमों के की प्लेयर्स कौन है, पिच रिपोर्ट और कौन है ये मैच जीत सकता है। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये भारत का उभरता हुआ चैनल है एम किंग स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ड्रीम 11 या फैंटेसी लीग्स में मोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या अगर आप मैच खेलते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको श्योर शॉर्ट रिपोर्ट और फैंटेसी लीग की टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जो कि आधे घंटे पहले मिलेगी गाइस। तो कृपया जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो लोग मैच खेलते या मैच एनालिस्ट करते या जो स्पोर्ट्स लवर है जो कि टीम लगाते हैं उनके लिए एक एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में मैं एक बहुत बड़ा अपडेट दूंगा आपको इस मैच से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन ये मैच जीत सकता है, सबसे पहले बात ये करते हैं। चार बार चैंपियन सीएसके ने 5 मैचों में से 3 में शानदार जीत हासिल की है। 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है जबकि एसआरएच 4 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। हेड टू हेड सीएसके और एसआरएच की बात करें अगर गाइस, दोनों के बीच में ज्यादा मुकाबले सीएसके ने जीते हैं। आखिरी मैच में सीएसके ने दोनों सलामी बल्लेबाज जो थे उनके बैट्समैन गायकवाड़ और कॉनवे ने हाफ सेंचुरी लगाकर 203 रन का लक्ष्य रखा था। और सीएसके के सलामी बल्लेबाज हर मैच में रन बना रहे हैं जबकि नंबर 3 और 4 शुरुआती जोड़ी द्वारा निर्धारित पारी को आगे बढ़ा रहा है। आपको देखकर हैरानी होगी कि सीएसके की ओर से अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है जो कि बहुत धीरे खेला करते थे एक जमाने में। की प्लेयर्स की बात करें सीएसके के तो गाइस ऋतुराज गायकवाड़, डेमन कॉनवे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी और अंबती रायडू हैं, उन्हें भी टीम में ले सकते हैं। एसआरएच लगातार 2 गेम जीतने के बाद हाई स्कोरिंग गेम में एमआई से हार गई थी। एसआरएच के पास भी बल्लेबाज लाइनअप है लेकिन उनमें कलेक्टिव एफर्ट्स की कमी है। हैरी ब्रुक ने केकेआर के खिलाफ नाबाद शतक बनाया था। अगर सीएसके शुरुआती विकेट लेता है तो ये दर्शकों के लिए खेल खत्म हो जाएगा। मार्करम टॉप बल्लेबाज हैं और वे हमारी टीम में जरूर रहेंगे। एड मार्करम, मार्को येंसन, हैरी ब्रुक, इन्हें आप जरूर लीजिएगा अपनी टीम के अंदर गाइस। साथ में हेनरिक क्लार्सन को भी आपको टीम में रखना है। एंड अगर आप बॉलिंग में चाहे तो आप बॉलिंग में एक स्पिनर रख सकते हैं और नटराजन को रख सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें गाइस तो ये पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है। ये पिच कम उछाल के लिए जानी जाती है जिसमें बल्लेबाजों को शॉट खेलना मुश्किल हो जाता है। टॉस बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। आईपीएल 2023 इस मैदान पर अभी तक 2 मैच खेले गए थे, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। हम आपको फाइनल प्रेडिक्शन जो देंगे वह आपको मैच से आधे घंटे पहले मिलेगा गाइस। साथ में आपको फैंटेसी भी मैच से आधे घंटे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में हमारी तरफ से हम इसमें गाइस जो सपोर्ट कर रहे हैं जिस टीम को वो है सीएसके। बट फाइनल प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा गाइस। प्लस अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो mkingsports.com हमारी वेबसाइट पे जाइए। आपको वहां स्पोर्ट्स जगत के सारे बड़े ब्लॉग्स मिलेंगे, साथ में डिटेल एनालिसिस मिलेगी, बायोग्राफीज मिलेगी क्रिकेटर्स की। हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस। एंड डेली हमारे शॉर्ट वीडियोस भी हम डालते गाइस, उन्हें भी प्यार दीजिए अपना। उन पे भी आपको अच्छा अपडेट मिलता है मैचेस के बारे में और फैंटेसी लीग के बारे में। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।